कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी बस मैं फटाफट करूँगी झाड़ू पोछे और फिर करेंगे पूजा और बनाएंगे चाय पियेंगे। और हाँ, और मैंने सामा भिगो दिया उठते ही, आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ सामा की खिचड़ी। और कल मैंने बनाई थी व्रत वाली मठरी जो कि बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, जिसकी रेसिपी नीतू चौहान फैमिली पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और आज फिर मैं सोच रही हूँ गुड़ वाली मठरी बनाने की। अभी देखते हैं शाम को बनाते हैं या नहीं बनाते। बनाऊंगी तो वो भी मैं नीतू चौहान फैमिली पे ही शेयर करूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, इस ब्लॉग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग नए नए जुड़ रहे हैं, वो कमेंट्स करके बता रहे हैं कि हमने आपका ब्लॉग फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा लगा, आपकी रेसिपी अच्छी लगी, आपका कॉन्टेंट अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, काम शुरू करते हैं। तो जी सीधा आज मैं लगी हूँ झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। तो आज ऐसा डस्टिंग जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, बहुत ज़्यादा आंधी वांधी तेज़ हवा ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, डस्ट उड़ नहीं रही है। तो मुझे लगा कि आज डस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आज मैंने बिल्कुल डस्टिंग नहीं की है, सिर्फ सोफ़ा झटक दिया है। क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहीं बिताते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा हो ही जाता है, तो मैंने सोफ़ा अच्छे से झटक दिया है। अभी बस मैं पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकालूंगी। और सही बताऊँ ना कि अभी नवरात्रि में पता नहीं क्यों घर में कचरा भी कम हो रहा है, मैं वरना क्या होता है डेली रूटीन का, जब आप काम करते हो ना तो मैं झाड़ू निकालती हूँ तो थोड़ा कचरा निकलता है, नवरात्रि में ना हमेशा के मुकाबले थोड़ा सा कचरा कम भी निकल रहा है। तो बस, और कचरा निकलता है ना तो इंटरेस्ट भी आता है झाड़ू निकालने में। अभी ज़्यादा कचरा नहीं निकल रहा ना, तो आप देख सकते हो मैं कैसे झाड़ू लगा रही हूँ, बस एक फॉर्मेलिटी वाली झाड़ू है, बहुत ही कम कचरा निकलता है। तो यहाँ झाड़ू मैंने निकाल ली है और मैं लगाने लगी हूँ पोछे। और पोछे में मैं कभी तो नमक डालती हूँ और कभी प्लेन पानी से लगा लेती हूँ, और कभी होता है कि मैं पोछे में रिन आला डालती हूँ। रिन आला डालने से ना बहुत ही ज़्यादा पानी जो ना गंदा हो जाता है, मतलब आंगन में से गंदगी निकलती है। और पतिदेव गए हैं नहाने के लिए, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे और फिर बनाएंगे हम हमारे लिए अच्छी सी चाय। तो जी झाड़ू पोछे मेरे हो गए हैं, बस अब मैं बनाने लगी हूँ फटाफट चाय। और देखो मेरे साथ पहली बार ये हुआ है, नजर आ रहा आपको, ये गुड़ में फफूंद लग गई है। मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुड़ के अंदर फफूंद लगे। ये गुड़ थोड़ा गीला गीला था, तो जैसे मैं हमेशा गुड़ ला के डब्बे में डालती हूँ वैसे इसको भी डाल दिया। काफ़ी दिन से चेक नहीं किया तो बाद में पता चला। मैं कल क्या मठरी बनाने के लिए निकाल रही थी कि मीठी मठरी भी बना दूंगी, मैंने नमकीन मठरी बनाई थी, व्रत वाली सेगारी मठरी। आप नहीं देखी तो नीतू चौहान फैमिली पर जरूर देखेगा, बहुत 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 टेस्टी बनी। अभी दिखाती हूँ, इतनी टेस्टी बनी ये देखो, मैंने ये व्रत वाली मठरी बनाई थी राजगिरी के आटे से, बहुत शानदार बनी। तो मैंने सोचा मैं मीठी मठरी भी बना लेती हूँ, पर जैसे ही मीठी मठरी के लिए मैंने गुड़ देखा तो गुड़ में फफूंद लगी थी। तो अब इस गुड़ को तो मुझे फेंकना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं गुड़ के अंदर फफूंद लगी हो। लेकिन ये तो चलो नॉर्मल गुड़ था, वैसे मेरे पास चाय वाला गुड़ था, मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मेरे पास चाय वाला गुड़ भी है, मैं उससे मठरी बना सकती हूँ। शाम को जब ये आए ना, मैंने इनको बोला यार गुड़ में फफूंद लग गई, तो तेरे पास चाय वाला गुड़ था ना तो उससे बना लेती। मैंने कहा हाँ, इतनी तो मेरे दिमाग ही नहीं था कि वो गुड़ भी तो था ना। तो बस अब इसको तो मैं फेंकूंगी, इसको डब्बे को धो के रखूंगी और नया गुड़ लाऊंगी। लेकिन हाँ, आज मैं सोच रही हूँ शाम को ना चाय वाले गुड़ से मठरी बनाऊंगी। तो अगर बनाई तो नीतू चौहान फैमिली पे शेयर करूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। पर बहुत आसान है यार, मैंने सोचा था कि शायद नहीं बनेगी, बिगड़ेगी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बनाई। मैंने कहा अगर मान लो बिगड़े ना तो थोड़ी सी बिगड़े, ज़्यादा नहीं बिगड़े, पर बहुत 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 अच्छी बन गई। तो बस अभी फटाफट चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे।
बताया ही नहीं कि आज है सिक्स्थ नवरात्रा, छठा नवरात्रा। तो छठे नवरात्रे की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारी मनोकामना पूरी करे। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, मुझे भी मिले। तो बस अभी फटाफट चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और मैंने सामा भिगो रखा है, सामा की खिचड़ी बनाएंगे आज फिर। और हाँ, कल मैंने बनाए थे पनीर पकोड़े शाम को। कल क्या हुआ कि हम लोगों ने ना वो बनाए थे सुबह साबूदाना की खिचड़ी, इतनी सी की ऑफिस में लेके गए, इतनी सी मैंने खाई, तो शाम को हमें लग गई भूख। फिर इन ये आए थे, बोले यार आज मुझे भूख लगी, आज तो मुझे थोड़ा सा कुछ बना के गर्म खिला दे तो मेरी भूख मिट जाए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। और तो फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। हाँ तो पतिदेव आवाज़ दे रहे थे इसलिए चली गई। हाँ तो ना फिर मुझे समझ में नहीं आया यार क्या बनाऊँ, वही साबूदाना खिचड़ी, सामा खिचड़ी, डोसा या फिर आलू पूरी। और आलू पूरी भी एंड टाइम पे बना नहीं सकती क्योंकि ऑफिस आने के बाद ही बोले क्या बनाए। फिर मैं आई फ्रिज में, देखूँ यार फ्रिज में फ्रूट्स दिख रहे हैं, फिर दिखा मुझे पनीर, फिर मुझे याद आया पनीर बड़ा, पनीर का कुछ बना लो, वैसे इनको पनीर पसंद नहीं है। तो मैंने इनको बोला पनीर पकौड़े बना लूं, ये मेरा मुंह देख रहे हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे, पनीर पकौड़े बना लूं, पनीर पकौड़े कैसे बनाएगी, व्रत है हमारा कि तेरा दिमाग खराब है तू पनीर पकौड़े कैसे बनाएगी। तो मैंने कहा क्यों क्यों नहीं बना सकते, बोले हमारा व्रत है तू बेसन कैसे बनाएगी। मैंने कहा व्रत वाले पनीर पकौड़े बनाऊंगी, बेसन से नहीं बनाऊंगी मैं, व्रत वाले पनीर पकौड़े बनाऊंगी जो आप खा सकते हो मैं भी खा सकती हूँ। बोले ठीक है बना, थोड़े से बनाना, मान लो इनको क्या डर लगता है कुछ ना कुछ सत्यानाश करके छोड़ देगी। मैंने कहा नहीं टेंशन मत लो, मैं अच्छे से पनीर पकौड़े बनाऊंगी। और वो पनीर पकौड़े जो बने थे, 6 या 7 पनीर पकौड़े बने थे, वो इतने इतने 3-4 इन्होंने खाए, 3 एक शायद मैंने खाए, बहुत 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 टेस्टी बने थे। मतलब एक नई इन्वेंशन और हो गई कि पनीर पकौड़े भी बना सकते हैं व्रत में, बहुत शानदार बने थे। तो चलिए मैंने इसको लाए तो लगाई नहीं, तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर खिचड़ी विचड़ी बनाते हैं और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ मुझे लगता है आप लोगों ने सफाइयाँ शुरू कर दी है, क्योंकि कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उसमें व्यूज़ आए नहीं, मुझे लगता मेरी खुद की नज़र लग गई, बहुत ही कम व्यूज़ आए थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं सब लोग सफाई करने के लिए लग गए हैं लेट, इसीलिए लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आप लोग सफाई कर लो तब सारे ब्लॉग आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए चाय बनाते हैं पीते हैं, पति देव पूजा कर चुके हैं, मैं भी पूजा कर चुकी हूँ, वो वेट कर रहे हैं कि चाय बना के लेके आए तो हम चाय पिए। A few moments later. चलिए जी अभी बनाएंगे सेगार, और सेगार में हम बनाएंगे सामा की खिचड़ी। और बस तेल गरम होने के लिए रख दिया है, सामा मेरा बहुत अच्छे से भीग गया, बाहर चल रही है न्यूज तो बहुत तेज आवाजें भी आ रही है। तो जी खिचड़ी यहाँ पर बन गई है, बहुत जल्दी बनती है अगर आप इसको भिगो करके बनाओगे। तो बस इसको हम लगाते हैं ढक्कन, गैस को करते हैं बंद और हम बनाएंगे अभी छाछ। दही मैंने पहले से जमा रखा है। तो जी खिचड़ी मेरी बन गई है और अभी मैं बनाने लगी हूँ छाछ। और हम लोग जाने वाले थे त्रिपोलिया मार्केट, जो कि नहीं गए क्योंकि ये सब लोग बिजी हैं, सिर्फ मैं और भगवती आरती भाभी फ्री हैं कि कभी भी मार्केट जा सकते हैं। और ये लोग भगवती भाभी मनीषा भी थोड़े से बिजी चल रहे हैं, तो इनको फ़ोन करूँगी, ये सप्तमी या अष्टमी पे चल लो, क्योंकि फिर मेरे को नवमी के लिए कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट चाहिए। हमेशा तो क्या है मैं वो लाती हूँ लंच बॉक्स लाती हूँ, पर इस बार मैं लंच बॉक्स नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा सा लड़कियों को दूँ जो लड़कियाँ खुद यूज़ करें, ऐसा कुछ
वहां से मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे, लेकिन देखते हैं। जाएंगे तो जरूर मुझे जाना पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है, 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अंदर जाना पड़ेगा। तो उनसे बात करते हैं कब जाएंगे। तो बस छाछ बना लें पतिदेव के लिए, खिचड़ी बन गई है, फिर मैं टिफिन पैक करूंगी। चलिए जी, छाछ मेरी बन गई है, जब पियेंगे तो ग्लास में डालेंगे, और इधर खिचड़ी बन गई है। अब सबसे पहले करेंगे पतिदेव का टिफिन पैक। और आज सुबह ना हल्की सी ठंड थी, हल्की सी गुलाबी ठंड, और आलू की चिप्स डालनी है टिफिन में, और इसी के साथ में थोड़ी सी मूंगफली, तो इससे क्या थोड़ा सा क्रंच आता ना तो अच्छा लगता है। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप घी कैसे बनाते हो। वैसे तो ना मैंने कई बार ब्लॉग में बताया है कि मैं घी कैसे बनाती हूँ, लेकिन वो ये ना कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो उनके सवाल होते हैं। तो मैं घी बनाती हूँ मलाई से। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे खूब सारी मलाई इकट्ठी होती है, फिर उसको मैं रात को बड़े बर्तन में डाल के उसमें थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म करके, गर्म ही था मतलब गुनगुना गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा जावन यानी कि दही डालती हूँ, मिक्स करती हूँ, रात को दही जमाने के लिए छोड़ देती हूँ पूरी मलाई का। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उस मलाई को उठा के फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में आपको कितना रखना है ये समझ लो, आप आधा एक घंटा मलाई अंदर रख दो तो वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। फिर मैं हैंड ब्लेंडर से उसको घुमाती हूँ। अगर हैंड ब्लेंडर से आप मलाई से घी बनाओगे ना दही से, तो कम से कम 5-7 मिनट में आपका जो घी है मक्खन है वो निकल जाएगा, और वरना जो आता है ना ये वाली घोटनी इससे भी आप बना सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं हैंड ब्लेंडर से बनाती हूँ, हैंड ब्लेंडर से फटाफट वो मक्खन निकल जाता है, फिर उसमें डालती हूँ थोड़ी सी बर्फ मक्खन निकलने के बाद में, तो वो मक्खन क्या एक इकट्ठा हो जाता है, तो उसको आराम से भगोने में से निकालना इजी होता है। निकाल के मोटे तले के बर्तन में फिर मैं वो मलाई वो मक्खन डालती हूँ, गर्म करती हूँ और घी बना लेती हूँ और छान लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं घी बनाती हूँ। और बस कई लोग है ना खाली सीधा मलाई से घी बना देते हैं, मतलब मलाई को ही घुमा के निकालते हैं, लेकिन वो घी ना ज़्यादा दिन चलता नहीं, वो ख़राब हो जाता है। तो मैं प्रॉपर ऑथेंटिक तरीका जो होता है ना दही जमा के फिर घी निकालूँ, तो मैं वैसे ही निकालती हूँ। तो इतनी देर हाथ में ऐसे ऐसे पकड़े पकड़े ना ये दर्द होने लग जाता है। तो बस अभी पतिदेव का टिफिन पैक कर देंगे और उनको ऑफिस के लिए रवाना कर देंगे। और मैंने ना एक काम सोचा था। देखो पहले दिन है ना मैंने ये आलू की चिप्स फ्राई की थी, इतनी सी की थी, इतनी सी अभी भी पड़ी है। ये खाता है, ये भी बहुत कम खाता है, तो पड़ी है अभी भी। और ये देखो इतनी चिप्स अभी भी पड़ी है। और ये हो गया पतिदेव का लंच बॉक्स पैक, थोड़ी सी खिचड़ी, और हो जा बंद, और ये वेफर्स, और इसी के साथ में ये मूंगफली। और चलो कर दो बंद इसको। तो जी बस अभी तो मेरा लगभग काम किचन का ख़त्म है, बस मुझे करने हैं बर्तन साफ, पतिदेव को रवाना करना है, और फिर वापस वही जो हमेशा करती हूँ नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ब्लॉग पब्लिक करना है, दूसरा ब्लॉग एडिट करना है, नीतू चौहान फैमिली के लिए ब्लॉग शुरू करना है। और ये डब्बा मैंने धो दिया है, सूखने के लिए रख दिया है, तो वापस नया गुड़ ला के डालूँगी। और इसको रख देते हैं हम जगह पे। ये ना मनीषा भाभी ने दिया था, ये नॉन स्टिक है, लेकिन इसमें मैं खाना वाना तो नहीं बनाती, किसका बर्थडे था, वो कोई बर्थडे बर्थडे होता ना तो खुद के वो क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल स्टोर से जो भी गिफ्ट आते हैं ना वो बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन इसको तो मैंने रख रखा है। ऐसी कोई मठरी वठरी या कुछ भी सर्दियों में जो लड्डू वड्डू बनाती हूँ ना तो इसमें स्टोर कर देती हूँ, तो इस तरीके से काम आ जाता है। और बस अब क्या करना है, ये सब हो गया, अब मुझे करना है ये। और इससे पहले हम पतिदेव को छाछ डाल देते हैं। चलिए जी, पतिदेव जा चुके हैं, और जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो एकदम चुप हो जाते हैं बोलते बोलते,
वरना ना थोड़ा बहुत भूलते भी है ना, तो उनको मालूम होना कि हाँ भाई कैमरा ऑन हो गया, तो फिर चुप 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 हो जाता है। और अभी मुझे करना है एक काम, वैसे तो देखो मुझे ये ना बच्चों के रूम की अलमारी साफ करनी है, मतलब सानू वाली जिसमें मेरे साड़ियाँ पड़ी है, और ये जो मैं ड्रेस पहन के गई थी ना उसका मैंने ओढ़ना बोला था कि मैं इसको गोटा तूरी लगवाऊंगी, मतलब तूरी उसकी बहुत छोटी छोटी है, जो पटली वाली साइड आती है ना उसमें बिल्कुल नाम की तूरी लगाई हुई है, तो मैंने सोचा गोटा और तूरी चेंज करवा के नई लगवा देती हूँ। पर अभी मैंने सोचा मैं दूंगी ना जिसको गोटा लगाने के लिए, वो अभी लगा के देंगे नहीं क्योंकि उनके सफाइयाँ चल रही होगी, ये सबके चल रही है तो उनके भी सफाई चल रही होगी दिवाली की, तो मैंने सोचा है कि मैं अभी इसको एज इट इज़ ऐसे रख दूंगी, जब दिवाली चली जाएगी ना तब मैं उनको देख करके आऊँगी और गोटा तूरी लगवाऊंगी। तो बस इस पैकेट को हम रख देंगे वापस अलमारी में, और पिछली बार भी मैंने ड्रेस पहनी थी ना तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा मतलब नया गोटा तूरी लगवा लूँगी, लेकिन फिर मैं भूल गई। और ये देख लो इस अलमारी को, इसको भी जमाना है। यहाँ पर है ना मेरे थोड़े हैवी सलवार सूट, मेरे तो क्या सानू के हैं जो सानू नहीं पहनती तो मैं पहनती हूँ, और हैवी साड़ी जो पार्टी वेयर साड़ी होती है ना वो पड़ी है, तो इनको मैं साफ करूँगी, देखती हूँ आज करूँ या फिर कल करूँ। तो बस अभी मेरा ये काम हो गया है और अब मैं करूँगी बर्तन साफ, बर्तन साफ करके फिर मैं मेरा ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। बस नवरात्रे के मेरे ऐसे ही कुछ दिन जा रहे हैं। और आज सुबह सुबह पता क्या हुआ, आज मैं सुबह सुबह रेडी होने के लिए यहाँ आई तो मैंने ये लिपस्टिक खोली, कहाँ गया लिपस्टिक खोली, तो मैंने जैसे लिपस्टिक लगाई बंद करके इसको अंदर रखने लगी तो ये और दोनों मतलब लिपस्टिक पूरी मेरे हाथ से गिरी, ये टोपी रह गई बाहर और अंदर का जो माल मलिदा है वो नीचे बेड के अंदर चला गया। तो अब मैं लेके आई हूँ झाड़ू, मैंने पापा से ना मैं तो फिर मेरे काम लग गई तो मैंने झाड़ू लगाई भी थी, मेरे हाथ में झाड़ू भी थी, तो मुझे याद नहीं आया कि मुझे अंदर से लिपस्टिक निकालनी है, तो अब मैं झाड़ू लेके आई हूँ, अब मैं अंदर से निकालूंगी। तो देखते हैं कहाँ गई, भाई मेरा काम बढ़ा ही गया आज ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नहीं निकली ना तो मेरा ख़राब हो जाएगी लिपस्टिक, आगे तो मेरा कॉस्मेटिक्स ख़त्म हो रखे हैं। निकल जा भाई, लिपस्टिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक टाइम हमारे पास खाना हो ना हो लिपस्टिक ज़रूर हो। निकल जा, खुल जा सिम सिम। चलो मैं ट्राई करती हूँ, निकलती कि नहीं निकलती। तो भाइयों और बहनों, मतलब मेरे पति, मेरे भाइयों और मेरे पति की बहनों मतलब मेरे भाइयों और पति, मेरे पति की बहनों, निकल गई है लिपस्टिक, जान में जान आई यार, थोड़ी सी बची है ख़त्म होने वाली है। ये देखो कहाँ गई, निकल रही है क्या, इतनी सी तो बची है, अब ये भी चली जाती इतनी महंगी लिपस्टिक तो आपको पता है बहुत हम बड़े से बड़ा नुकसान झेल सकते हैं, पर कॉस्मेटिक्स को कुछ हो जाए वो हम कभी सहन नहीं कर सकते। तो अब इसको बंद करेंगे और रखेंगे, और अब जो थोड़ी बहुत भी गंदगी निकली है ना ये देखो इसको हम साफ करेंगे। चलिए जी कर दी सफाई, इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया मैंने अपने आप को मुझे लगता है नवरात्रे मेरे दिमाग पे गलत असर कर गए हैं। चलिए अब मैं फटाफट बर्तन साफ कर लूंगी, बर्तन साफ। गुमनाम है कोई, अब जब तक शाम को मेरे पति नहीं आते ना तब तक मैं पूरे घर में ऐसी भटकती हुई आत्मा सी भटकती रहूंगी। अब मैं हूँ और मेरी तन्हाई और ये दीवारें जो मुझे कहेगी कि नीतू तू अकेली है, नीतू तू अकेली है, पर मैं ये इनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि मैं भले ही अकेली हूँ घर पे पर मैं बोर नहीं होती हूँ। अभी देखो क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम हुआ है राइट 11 बजे, तो बस अब हम इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे किसी ने सोची ना होगी। चलिए जी बस इतना ही काम हम कर लेते हैं जिसकी किसी ने सोची ना होगी। तो बस अब मैं फटाफट बर्तन साफ करूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, हाँ इस ब्लॉग को एडिट करूंगी,
नीतू चौहान फैमिली के लिए ब्लॉग शुरू करूंगी। और हाँ, नीतू चौहान फैमिली पे आपको नमकीन मठरी की रेसिपी देखनी है तो देख लेना, व्रत वाली सहगारी मठरी की रेसिपी बहुत बहुत अच्छी बनी थी। हाँ, तो सानू का कॉल आ गया था इसलिए बीच में कॉल काटना पड़ा। तो बस इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मतलब जिस ब्लॉग को आप देख रहे हो उसको लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। और नीतू चौहान फैमिली पे भी ब्लॉग देखना, उस पर भी मैं डेली ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।